हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर में। लास्ट टाइम कंप्यूटर में मैंने आपको स्टोरेजेस और मेमोरीज पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कैश रजिस्टर रैम और रोम और उसके टाइप्स ऑफ बूटिंग बता दिया था। गुजारिश है अगर आपने वो लेक्चर ना देखा तो आप इस लेक्चर पहले उस लेक्चर को एक बार देख लें, ताकि मेमोरी से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ते हैं। आज की हेडिंग क्या, सेकेंडरी और मास स्टोरेजेस। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इससे सीपीयू डायरेक्ट लिंक करता है, जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, जैसे कि रैम रोम और रजिस्टर कैश। पर आपके परमानेंट डेटा के लिए भी तो कोई मेमोरी चाहिए होती है। जैसे मान लो आपके कॉलेज में आपको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देना है, तो एक तो आप लैपटॉप ले जा सकते हो, पर पेन ड्राइव में भी ले जा सकते हो ना। आपके कॉलेज में डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, आपने किसी गाने पर डांस करना है, तो उस गाने को आप कैसे टेस्ट में ले जाते थे पहले के जमाने में, सीडी में ले जाते थे, और आजकल पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में या मोबाइल में ले जाते हो ना, तो मोबाइल के मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है ना या मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में। तो आपके परमानेंट डेटा को मूव करने के लिए, लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए या बैकअप के तौर पर स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सेकेंडरी और मास स्टोरेजेस। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, मास स्टोरेजेस। अब मास स्टोरेजेस जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हो तो वो बैकअप के तौर पे आप कई बार यूज करते हो, ताकि आपके डाटा को आप लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकें। आप पिक्चरों की सीडी डीवीडी लाते हैं तो उसमें क्या है, स्टोर है ना लंबे समय तक, तो वही आपके परमानेंट डाटा को बैकअप के तौर पे लेने के लिए। शादी विवाह की सीडी वगैरह बनाते हैं, अगर भैया की या आपके चाचा चाची वगैरह की शादी होगी तो उसकी जो सीडी डीवीडी होगी, तो यूजर के परमानेंट डाटा को लंबे समय तक संग्रहित करके रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी और मास स्टोरेजेस का। कौन कौन सी आती होगी इसमें, वेरी गुड, एक तो हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, वेरी गुड, और टेप्स। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप्स यूज हुआ करती थी, जैसे आपकी कैसेट वगैरह आती थी कि नहीं, वीडियो गेम की कैसेट नहीं, गाने की, जिगर दिल जले पिक्चर की कैसेट्स, उसमें क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी ब्राउन कलर की, दोनों तरफ रील लगी रहती थी, वो घूमती थी तो लपेटी हुई टेप रहती थी, तो उस मैग्नेटिक टेप को मैग्नेटाइज करके नॉर्थ पोल साउथ पोल की मैग्नेटाइजेशन करके उसमें डेटा स्टोर किया जाता था। पर उसका ड्रॉबैक क्या था कि सिक्वेंशियली रिकॉर्ड होता था, जैसे पहला गाना आया होगा उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, मान लो आपको 10वें नंबर गाना सुनना है तो आप फॉरवर्ड करते हो उस गाने तक, उसमें सिक्वेंशियल होता था, ठीक है, उसमें सीक्वेंशियल रिकॉर्डिंग रहती थी, उसको साइज भी थोड़ी ज्यादा अच्छी रहती थी। फिर बाद में सीडी डीवीडी आ गई, वो ऑप्टिकल टाइप ऑफ डिस्क, फिर आपके मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव आए, वो पीसीबी होती, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या एक तरह की आईसी होती जो करंट से चलती, तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डिस्क। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपकी फ्लॉपी, एफ डी डी, सबसे पहला क्या, फ्लॉपी, एफ डी डी का फुल फॉर्म क्या, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी का एक और नाम क्या होता है, डिस्केट। फ्लॉपी का एक और चीज क्या बोल देते हैं, डिस्केट डिस्क, ठीक है। कैसेट और डिस्क का कॉम्बिनेशन क्या, डिस्केट। तो फ्लॉपी आपके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक के मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क। फ्लॉपी किस तरह की होती है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक के मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क। फ्लॉपी इज ए स्क्वायर शेप मैग्नेटिक डिस्क। फ्लॉपी का आकार कैसा होता था, वर्गाकार। फ्लॉपी का आकार कैसा होता था, वर्गाकार। तो फ्लॉपी आपकी कैसी होती थी, एक स्क्वायर शेप मैग्नेटिक डिस्क, वर्गाकार होती थी, चारों भुजाएं बराबर, उसमें इस बीच में स्टील का ऐसा एक प्लेट लगी आती थी और बीच में होल होता था, जहां से डेटा हेड अंदर जा सके फ्लॉपी के और डेटा राइट करके और रीड करके बाहर आ सके बिना डैमेज करे, और ऊपर प्लास्टिक का ऐसा ब्लैक कलर का कवर आता था, इसमें स्टिकर रहता था जिसमें आप फ्लॉपी का नाम, ऑफिस का नाम वगैरह लिख सकते थे। तो ये स्क्वायर शेप होती थी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती थी, और ये तीन अलग अलग साइजेस में आती थी, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। सबसे ज्यादा जो यूज होती थी वो 3.5 इंच की थी, और इसकी स्टोरेज क्षमता होती थी 1.44 MB। आया हुआ सवाल है, दो सवाल यहां से बनते हैं, एक तो फ्लॉपी किस तरह की डिस्क है, तो फिर मैग्नेटिक टाइप ऑफ
डिस्क। फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता कितनी 1.44 MB। फ्लॉपी एक तरह की मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क है जिसमें डेटा नॉर्थ और साउथ पोल की पोलिंग के थ्रू स्टोर किया जाता था। ये स्क्वायर शेप होती थी, वर्गाकार होती थी, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी 1.44 MB। ठीक है, पर फ्लॉपी इतने बाय इतने की आती होगी, कुछ 3.5 इंच की। अब इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये पूरा गाना भी स्टोर नहीं कर पा रही थी, इसकी साइज क्या ज्यादा और स्टोरेज कैपेसिटी कम। तो ये ड्रॉबैक था आपके किसके, फ्लॉपी का। फ्लॉपी का ड्रॉबैक क्या, कि लार्ज इन साइज बट स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस। तो वैज्ञानिकों ने इसका रिप्लेसमेंट करते हुए क्या बनाया, सीडी और डीवीडी। वैज्ञानिकों ने इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या बनाई, सीडी और डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसका एक और फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी के दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीवीडी में वी के दो मतलब, एक वर्सेटाइल या वीडियो, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसी के जैसी एक और आती थी सेम, इसी के डायमेंशन जैसी ब्लू रे डिस्क। ये भी एक तरह की ऑप्टिकल टाइप ऑफ डिस्क, याद रखना सीडी डीवीडी ये सब कैसी होती है, ऑप्टिकल टाइप ऑफ डिस्क। सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ये तीनों ही कैसी होती है, ऑप्टिकल टाइप ऑफ डिस्क। आपने सीडी तो देखी होगी, अभी आपको इमेज भी दिख रही होगी। तो सीडी इस तरह की होती थी, बीच में आपका एक होल रहता था जहां से आप उसको ग्रिप कर पाए ऐसे फिंगर से, और इसमें ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स बने हुए आते थे। जहां जहां पे डाटा रिकॉर्ड किया गया वहां पे थोड़ा डार्क दिखता था, और जहां पे नहीं भरा वहां थोड़ा लाइट। तो इसमें क्या होता है, लेजर लेंस के थ्रू रीड राइट होता है, और एक चमक चमक वाला जो मटेरियल होता है उसके बर्निंग होती है। लेजर में थर्मल पावर तो होता है, वो उस पर्टिकुलर हिस्से को बर्न कर देता है जिसके कारण उसमें डेटा स्टोर कर पाते हैं। तो याद रखेगा बर्निंग क्या होता है, एक तो बर्निंग तुम्हारा जलना भी होता है, BURN बर्न, बर्न मतलब जलना, पर बर्निंग का मतलब कंप्यूटर में क्या, राइटिंग डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क या डिस्क, डेटा ऑन डिस्क। नीरो बर्नर होता था, आपने अपने फाइल एक्सप्लोरर में देखा हो कि बर्न डेटा का ऑप्शन आता था। तो बर्निंग मतलब क्या, राइटिंग डेटा ऑन डिस्क। किसी भी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा भरने की प्रोसेस क्या कहलाती, बर्निंग। बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन डिस्क। सीडी की क्षमता कितनी होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB। ठीक है, डीवीडी की कितनी, 4.7 GB। ठीक है, और ब्लू रे डिस्क अगर सिंगल लेयर है तो ये 25 GB तक स्टोर कर सकती है, और डबल लेयर है तो फिर वो 50 GB तक कर सकती है। अगर डबल लेयर आपकी ब्लू रे डिस्क है तो उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी, 50 GB, और अगर SL है सिंगल लेयर तो उसमें कितनी, 25 GB। डीवीडी में भी ऐसे होता है कि 4.7 GB वाली जो है वो आपकी वो सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर की 8 GB के आसपास हो जाती है स्टोरेज क्षमता। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ब्लू रे डिस्क का बताइए फुल फॉर्म। और ब्लू रे डिस्क तो आपका ऐसे ही लिखा है, BLUE स्पेलिंग नहीं होगी इसकी, ब्लू नहीं है, ब्लू रे डिस्क है, BLUE नहीं होगा, क्या है, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। सीडी डीवीडी कौन सी डिस्क होती है, ऑप्टिकल टाइप ऑफ डिस्क। इसमें आपने अगर सीडी डीवीडी यूज कर ली हो अगर, तो उसमें फिंगरप्रिंट के निशान पड़ जाते थे। अगर आपके लैपटॉप में आपने डीवीडी राइटर हो अगर उसको निकाला, तो उसमें एक लेजर का लेंस आता है एक छोटा सा, तो लेजर लेंस क्या, ऑप्टिकल टाइप है, ऑप्टिकल फिनामिना लेजर, तो ऑप्टिकल तरीके से उसमें डेटा स्टोर करता है सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। यहाँ पे इनसे रिलेटेड और कुछ फुल फॉर्म भी आ सकते हैं जो आपसे पूछते थे, CD+R या DVD+R, CD या DVD+RW। जैसे DVD+R लिखा हो या DVD+RW लिखा हो, तो यहाँ पे R का क्या मतलब है, रिकॉर्डेबल, बहुत से अच्छे रीडेबल, राइटेबल ऐसा बोलते थे, वो गलत है, राइटेबल के लिए तो W चाहिएगा,
रीडेबल मतलब पढ़ सकते, तो हर डीवीडी अगर सीडी जो अच्छी है वो भरी हुई है तो आप पढ़ सकते उसको। पर आप अगर मान लो आपको अपने कॉलेज के कोई फाइल ले जाना है खुद की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के, और उन्होंने बोला सीडी सबमिट करना आपको अपने प्रेजेंटेशन की, तो आप बाजार में जाके स्टेशनरी की शॉप से ब्लैंक सीडी लाते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखना, मोजर बियर या सोनी की जो ब्लैंक सीडी आप लाते होंगे उसमें लिखा होता हुआ सीडी प्लस आर या डीवीडी प्लस आर। तो आर मतलब क्या, रिकॉर्डेबल, और आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल। एसी सीडी डीवीडी जिसे हम इरेज करके वापस भर सकते हो, कभी सीडी प्लस रोम लिखा हो आर ओ एम, तो रोम मतलब क्या, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब इस वाले को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो जो भरी हुई आती पहले से। आर मतलब क्या, रिकॉर्डेबल, आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल। तो याद रखिएगा सीडी प्लस आर में आर का मतलब रिकॉर्डेबल, आर डब्ल्यू का मतलब री राइटेबल, और सीडी रोम में रीड कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उसे आप सिर्फ केवल क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें डेटा किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, ट्रैक्स के फॉर्म में। सीडी डीवीडी में ऐसे सर्कुलर क्या होते हैं, ट्रैक्स, तो डेटा रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स। अब सीडी डीवीडी के बाद हम आते हैं पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स या फ्लैश मेमोरीज, ये तीनों को आप एक जैसे ही मान सकते हैं, ये तीनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरीज। अच्छा, आपके पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड एक तरह के क्या होते हैं, पीसीबी, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या ये एक तरह के क्या होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें क्या आता है, करंट, ट्रांजिस्टर स्ट्रेस की आईसी होती है, इसमें क्या आता है करंट, वो करंट जाने पे ट्रांजिस्टर की वैल्यू ऑन होगी या ऑफ होगी जिससे डेटा स्टोर हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डिवाइस, ये कैसी होती, इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डिस्क। आपकी पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड्स और फ्लैश मेमोरी ये कैसी होती, इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डिस्क। इसमें ये एक तरह की क्या होती है, आईसी, आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, या इनको आप पीसीबी बोल सकते हैं, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें पूरा सर्किट एकदम प्रिंट होता है, अलग अलग ट्रेसेस होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के और मैग्नेटिक कंडक्टर वायर्स के, और उससे डेट करंट फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मत कर देना, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, और पूरी की पूरी आईसी का एकॉर्ड नाम क्या होता है, चिप, पूरी की पूरी आईसी का आप बोलते हैं चिप, मेमोरी कार्ड की चिप ऐसा बोलते हैं ना। या फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या होता है, डबल ईपी रोम होती है आपकी, कौन सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप करंट भेज के एक ही एक्शन से पूरी रोम को क्या कर सकते हैं, इरेज। वैसे यहाँ पे क्या, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड में जो डेटा है उसको एक ही सिंगल एक्शन से आप उसके पूरे डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज, फॉर्मेट करना जिसे आप बोलते हैं। तो फ्लैश मेमोरी का कंसेप्ट है, ये सेम है आपके किसके जैसा, डबल ईपी रोम के जैसा। ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे काम करती एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव, देखने में हार्ड डिस्क के जैसी होती है, पर हार्ड डिस्क क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क, उसमें ड्रम लगे, उसमें हार्ड डिस्क में क्या होती है, सर्कुलर प्लेट्स होती है, उसमें रीड राइट हिट जाता है और डेटा रीड और राइट करता है, पर वो मैग्नेटिक टाइप की डिस्क होती है। ये पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड का बड़ा फॉर्म आप मान सकते हो क्या, एसएसडी, दिखने में हार्ड डिस्क जैसी रहती है नॉर्मल हार्ड डिस्क की तरह, पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डिस्क होती है, इसमें एक सर्किट होती है पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म यूज नहीं होता एसएसडी, पर मैग्नेटिज्म जिसमें यूज होता है वो कौन सी होती है आपकी, हार्ड डिस्क। अच्छा, सीडी डीवीडी की स्टोरेज तो बता दी, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड किस में होते हैं, एमबी में, जीबी में और टीबी में भी हो सकते हैं, एमबी में, जीबी में और टीबी में हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आपके जो स्मार्टफोन वगैरह आते हैं फ्लैगशिप लेवल के उसमें लिखा आता है कि 2 TB के मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर सकते हैं, तो आते होंगे तभी तो करेंगे। ठीक है, अगला आपका क्या, एचडी, एचडी का फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क बोल रहे हो तो गलत है, एचडी का फुल फॉर्म क्या, हाई डेफिनेशन। HDD का फुल फॉर्म हार्ड
डिस्क ड्राइव। याद रखें एच एक एच और एक डी है तो क्या होगा हाई डेफिनेशन, एक एच और दो डी है तब आपका फुल फॉर्म होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, नहीं तो आप जो अपनी स्क्रीन में यूज करते हैं एच डी टीवी, एच डी रिजोल्यूशन, फुल एच डी, एफ एच डी, तो एच डी का फुल फॉर्म क्या हाई डेफिनेशन, एच डी डी का हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपकी जो एच डी डी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, आपको इसका इमेज दिख रहा होगा अभी, तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है किसी होती है मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क। हार्ड डिस्क की स्टोरेज किसमें होती है नॉर्मली जीबी में और टीबी में, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप खरीद सकते हैं, तो 1 TB 2 TB की आती है 3000 की आसपास, 1 TB की और 5.5-6 हज़ार के आसपास 2 TB की, नॉर्मली 500 GB की भी हार्ड डिस्क आती थी पुराने कंप्यूटर्स वगैरह में, आजकल तो 1 TB नॉर्मल सी बात हो गई है। तो हार्ड डिस्क एक मैग्नेट टाइप ऑफ डिस्क होती है, आपको इमेज दिख रहा होगा उसमें, अगर आप देखें इमेज में तो क्या है कि सर्कुलर प्लेट्स हैं, उस पर एक रिट्राइट हेड दिख रहा है आपको पॉइंटेड करा हुआ, तो जो रिट्राइट हेड है वो अलग अलग प्लेट्स पे जाकर डेटा को रीड करता है और राइट करता है, कॉपर निकल एल्यूमिनियम इसे अलग अलग धातु की क्या होती है मैग्नेटिक प्लेट्स, उसके ऊपर रिट्राइट हेड रोटेट करता है और डेटा आता है आपके प्रोसेसर तक। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, पहला ऑप्शन सीडी, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन फ्लॉपी, चौथा ऑप्शन पेन ड्राइव। तो आपका आंसर क्या होगा पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड खुद घूम जाएंगे भले, पर उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, उसमें तो ट्रांजिस्टर विस्टर तो जो ऑन और ऑफ होंगे, पर सीढ़ी तो खुद घूमती गोल गोल, हार्ड डिस्क में आपके स्प्लिंटर और रेडराइट हेड घूमती, ये प्लेट्स जो हैं वो रेडराइट हेड घूमता रहता है। ठीक है, डीवीडी भी घूमती, कैसेट में आपकी रील घूमती रहती थी, है ना, तो निम्नलिखित में से किस मेमोरी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स और SSD भी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये याद रखिएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ डिस्क है ना, उसमें से स्विचिंग होगी ऑन और ऑफ की, उसके थ्रू डेटा रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि सिंगल बिट डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइस कौन सी है, डिवाइस टू स्टोर सिंगल बिट डेटा, ऐसी डिवाइस जो सिर्फ एक सिंगल बिट स्टोर करती है, तो एक सिंगल बिट डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइस या सर्किट, ऐसा सर्किट जो एक सिंगल बिट डेटा को स्टोर करता है, तो फ्लिप फ्लॉप इज अ सर्किट विच कैन स्टोर आइदर जीरो और वन, फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जो या तो जीरो स्टोर करेगा या वन, सवाल आया हुआ एग्जाम में, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर पहला ऑप्शन जीरो, अगला ऑप्शन वन, अगला ऑप्शन आइदर जीरो और वन, चौथा ऑप्शन जीरो और एक दोनों, तो फ्लिप फ्लॉप याद रखिएगा इंजीनियरिंग में आपने पढ़े भी होंगे या BCA वगैरह में BSc में कि RS फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है जो जीरो या वन को स्टोर कर सकता है एक इंस्टेंट पे। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर आइदर जीरो और वन, फ्लिप फ्लॉप से कर सकता है या तो शून्य या एक। तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्टोरेजेस भी पूरी हो गई और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्राइमरी और मेन मेमोरी बता दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, तो मेमोरी से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको लग रही है, तो वो मैं जरूर इंप्रूव करूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।